अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार फ्राइड राइस बनते हैं। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक पैन में जो है आपने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें 2 अदद अंडे जो है अच्छी तरह फेंट के आपने उसमें ऐड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम एग को हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि स्मेल सी आती है एग में से, तो जिसको स्मेल आती है ना उसके लिए ये है कि आपने इसको थोड़ी देर फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है। तो एग जो है रेडी चुका है, इसको निकाल लें आप। अब पैन में जो है ना आपने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल मज़ीद इसमें हम ऐड करेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद जो है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद जो इसको हमने 1 से 2 मिनट जो है ना इसको हमने कुक करना है, और इसके बाद जो है अब इसमें हम 2 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। तो सोया सॉस ऐड करने के बाद जो इसको आपने अच्छी तरह इसको जो है 1 मिनट इसको कुक कर लें। इसके बाद जो है इसमें वेजिटेबल ऐड करें। मेरे पास 1/2 कप जो है मटर हैं और 1/2 कप जो है गाजर है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल जो है वो मटर और गाजर हैं, तो मैं इसमें मटर और गाजर ऐड करूँगा। तो हमने इसको जो है 3 से 4 मिनट इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके जो है कुक करना है। और इसके बाद जो है इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हमने चिकन क्यूब ऐड करनी है। 1 चिकन क्यूब ऐड करें, इससे जो है फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसके बाद जो है अब इसमें हम चिली सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस जो है हमने 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो इसमें आप अपने हिसाब से चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। तो चिली सॉस ऐड करने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब नमक ऐड करने के बाद जो इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद जो है इसमें हम बॉयल राइस ऐड करेंगे। बॉयल राइस जो है मेरे पास 1 कप मैंने लिए थे और इसको बॉयल कर लिए थे राइस को, इसमें हम ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह आप सारे राइस जो है इसमें ऐड कर लें, उसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें हमने ऊपर से ऐड करना है 1 टीस्पून काली मिर्च, इसमें हम ऐड करेंगे अब, क्योंकि हमने काली मिर्च पहले भी हमने 1 टीस्पून ऐड किया था। अब इसमें मज़ीद हम काली मिर्च और ऐड करेंगे, इससे जो है फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार आएगा। अब आप इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद जो है इसमें हम हरी प्याज ऐड करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आपको आसानी से मिलती जाए। तो अब हम इसमें जो है ना 1/2 कप हरी प्याज ऐड करेंगे, और हरी प्याज ऐड करने के बाद जो है ना आपने इसको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद जो है इसमें हम एग ऐड करेंगे। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड राइस हमारे जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो है ना एग ऐड करना है। एग ऐड करने के बाद जो है आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट जो है ना आपने इसको कवर करके दम देना है। तो हमारे जो है ना फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।